हम उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, हम उसे कभी ऐसा खोना नहीं चाहते। कभी हम उसको ये नहीं चाहते कि कभी हमारे सामने उसका कोई दूसरा रूप सामने आए। सेम प्रॉब्लम गर्ल्सों की भी होती है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे अपना यार मानते हैं, हम जिससे अपनी सारी बात शेयर करते हैं, क्या वो हमसे सच्चा प्यार करता है? क्या वो हमारे सामने वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा हम रिएक्ट करते हैं? कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे झूठा प्यार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको वो धोखा दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि आपका प्यार सच्चा है या टाइम पास। आसान सी भाषा में कहा जाए तो आपका प्यार सच्चा है या धोखेबाज। अगर आपको भी ये बात जाननी है ना, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है। अगर आपके क्वेश्चन कुछ उस तरह का मैच हो रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हो कि आपका प्यार सच्चा है या टाइम पास। तो इसीलिए फ्रेंड, दिल से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए आए हो ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दबाना नोटिफिकेशन बेल को। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चाहो ये बात किसी और को पता चले, किसी और का प्यार भी पता चल जाए कि उसका सच्चा है या झूठा, आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे हमारा और ज़्यादा मदद होगा, हमारा ग्रुप और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए, आप कैसे स्मार्ट बने, हैंडसम बने, कैसे बॉडी डेवलप करें, कैसे अपने अंदर ग्रोथ लाए, कैसे कामयाब हुए, उसके लिए मेरा सेकेंड चैनल है, नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके उसे साइन अप कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं सोशल तरीके से। आसान सी भाषा में कहा जाए तो सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, और इतने लोग आजकल के फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं, व्हाट्सअप यूज़ करने लगे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करने लगे हैं, शायद जितना कोई टिकटॉक भी यूज़ ना करता हो। तो फ्रेंड, आसान सी भाषा में मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप कभी अपने पार्टनर से थोड़े टाइम के लिए भी दूर हो जाते हो, और अगर आपका पार्टनर आपको कॉल करता है वक्त वक्त में, आपसे पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप हो कहाँ पर, क्या आपने खाना खाया या नहीं खाया, हर सेकंड उसको आपकी जानकारी चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर शक कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि आपका तबीयत ठीक रहे, आप हमेशा खुश रहो, इसके चलते वो कॉल करती है। और आसान सी भाषा में कहा जाए फ्रेंड, तो यही सच्चे प्यार की निशानियाँ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार आप पे शक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार टाइम पास है। जी नहीं दोस्तों, ये आपका सच्चा प्यार है। इस तरह का बात हम प्रण करेंगे पॉइंट नंबर 2 से। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देता है तो फ्रेंड, आपको भी उसके रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। बहुत से बंदों को ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो हम उसको घुइयां के खेत में डाल देते हैं। आसान से भाषा में कहा जाए तो उसको हम हल्के में लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पे अंधा बन करके विश्वास कर रहा है, तो हमारी जो मन में आएगा हम वो करेंगे। तो फ्रेंड, ये गलत है आपके अंदर। अगर आप भी अपने पार्टनर से अच्छा प्यार करते हो तो उसके प्यार पर कभी शक मत करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो फ्रेंड, बहुत से बंदे लोग सोचते हैं ये बात सब कि यार वो इतना मुझसे सजेशन क्यों लेता है। आसान से बात समझा जाए, क्या उसको इतना भी सबक नहीं है? क्या उसको इतना भी नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है? तो फ्रेंड, वो आपसे सच्चा प्यार करता है, इसीलिए वो हर चीज़ की आपसे सजेशन लेता है, हर चीज़ की एडवाइस लेता है। वो चाहता है कभी गलत राह पे जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को ऐसा लगे कि यार मैं क्यों उससे कुछ पूछा नहीं, इसके चलते मैं इस गलत राह पे चला गया। इसके चलते वो आपसे हर बातें शेयर करता है, हर बातें आपसे पूछता है। तो फ्रेंड, ये भी सच्चे प्यार की ही निशानी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका पार्टनर आपसे टाइम पास कर रहा है। चलो फ्रेंड, अब बात करते हैं जो कि आप लोग कहते हो, मतलब कि तीसरे पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो मुझे कि यार प्यार में तो बहुत रस्में, कस्में, वादे, प्रॉमिस, बहुत कुछ होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक दूसरे से अच्छा प्यार करते हो तो आप एक दूसरे को प्रॉमिस भी करते हो, और अगर अपने प्रॉमिस आप नहीं तोड़ते तो हाँ फ्रेंड, ये आपका सच्चा प्यार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा उसे कि चलो कल मूवी थिएटर चलते हैं, मूवी देखने, कल कोई मूवी लगी पड़ी है, और आप किसी कारण मना कर देते हो इसे, मतलब कि अगर आपको लगता है कि मेरे लिए वो काम ज़्यादा जरूरी है, ये काम नहीं, तो फ्रेंड इसका मतलब तो यही है ना कि आप अपने प्यार को के में ले रहे हो। अगर आपका प्यार सच्चा है तो अपने प्यार को आप टाइम दोगे, अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करोगे, कभी उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। चलो बाय चांस आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, उसके बाद जैसे वो काम निपटता है फिर उसको बोलोगे कि चलो अब चलते हैं, तो भी फ्रेंड आपका सच्चा प्यार है। बट अगर आप उस बात को हल्के में ले डालते हो, आपको लगता है कि वो काम ज़्यादा जरूरी, इस काम से ज़्यादा, तो फ्रेंड आपका प्यार सच्चा नहीं है। भाई जी, अगर आपको पता था कि ऐसा भी कुछ सिचुएशन आ सकता है तो आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। फ्रेंड बहुत से बंदे तो बोलते हैं कि प्रॉमिस बनाया गया है तोड़ने के लिए, तो फ्रेंड ये आपकी एक सोच है। दरअसल प्रॉमिस इसलिए नहीं बनाया गया तोड़ने के लिए, प्रॉमिस बनाया गया है एक दूसरे को और करीब लाने के लिए, भरोसे दिलाने के लिए कि हाँ मैं आपका कभी भरोसा नहीं तोड़ सकता। और प्यार में तो फ्रेंड सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा ही। अगर आप भरोसा ही नहीं करते, एक दूसरे पर भरोसा ही तोड़ते रहते हो, तो कोई आपसे सच्चा प्यार कैसे कर लेगा भाई मेरे। अब बात करेंगे फ्रेंड चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि मेरे को अधिकतर लड़कियों ने कहा था कि अगर हम अपने पार्टनर के लिए रोते हैं तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि हम उसे सच्चा प्यार नहीं करते, हम रोपलो टाइप के हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होता है, उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो रोने लग जाती है आपकी बातों से, तो फ्रेंड इसका मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करती है। वो कभी ये नहीं चाहती कि आप उससे दूर जाओ, कभी वो ये नहीं चाहती कि आप उस पर शक करो। फ्रेंड ऐसे प्यारों की आप भी कदर करो। अगर आपका पार्टनर आपको सामने से ही सॉरी बोलता है तो फ्रेंड इसका मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो रोतलू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जमाने से लड़ नहीं सकता। फर्क इतना है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आप पर कभी हाथ उठा सके, आप पर कभी उंगली उठा सके। इसके जरिए वो आपको रो के समझाता है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं आपके ऊपर कभी शक नहीं कर सकता एंड मैं कभी आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, इसके चलते मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। देन आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई हो। अगर आप फ्रेंड आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अगर एक आध पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा ना, तो दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से ना हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो में चलो कुछ तो अच्छा था। और हमारे चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे सब्सक्राइब कर दो यार, दिल से रिक्वेस्ट है भाई कर दो यार, घंटे बैल को भी दवाई देना। और प्लीज़ यार हमारे इस फैमिली ग्रुप को थोड़ा बड़ा कर दो यार, वीडियो को शेयर किया करो भाई मेरे, दिल से रिक्वेस्ट है शेयर कर दिया करो यार, किसी का सच्चा प्यार और मिल जाएगा। आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगली बार प्यार इसी वीडियो के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अन्य प्रकार के लिए फ्रेंड हमारे सेकंड चैनल को सपोर्ट जरूर करना।